वाह, मैंने हमेशा इसका सपना देखा है। क्या मस्त हगी वगी है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसे लेती हूँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, है किसी और का है। अच्छा हाँ, ऐसा लगता है कि किसी ने जेल जाने का फैसला किया है। खड़े रहो, मैं तुम्हें अच्छे नियम सिखाऊंगा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि चोरी करना बुरी बात है? मेरे पीछे आओ, अब से यही तुम्हारा घर है। यह सही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिली आदेशों का पालन नहीं करती है। खड़े रहो। वाह, मुझे अपने काम के लिए शानदार तस्वीरें मिलेंगी। बढ़िया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कम से कम देखने दो। वाह, मैं ऑनर रोल पर हूँ। सुनो, अगर मैं इतनी फेमस हूँ तो मैं अपना ऑटोग्राफ यहाँ बना देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, ऐसा मत करो, ये काम के लिए है। क्या तुम्हें बताया गया कि तुम हैरी पॉटर की तरह दिखते हो? एक कॉपी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो, मुझे क्या करना होगा? कागज पलट लो और मुझे नाराज मत करो, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। तुमने इसे गिराया क्यों? जल्दी से उठाओ और कैमरे के सामने खड़े हो जाओ। अब मैं तस्वीरें लेने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पैर तुम्हें संभाल नहीं सकते? उफ, मैं कितना थक गया हूँ। रुको, हिलो मत। आखिरकार सब कुछ तैयार है। हो गया। क्या मैं भी तस्वीरें देख सकती हूँ? देखो, बस सावधान रहो। इसे अपने हाथों से मत छुओ। कितना सुंदर है, लेकिन एक छोटी सी डिटेल गायब है। तुम क्या कर रही हो? यह क्या है? दूर हटो, बस करो, चली जाओ। यह सिर्फ एक स्टिकर है। वह कितनी मस्त है, बहुत अच्छा। यहाँ कितना आरामदायक है, यह ऐसा जैसे मैंने कभी घर नहीं छोड़ा। वाह, मेरा दोस्त कॉकरोच बॉब भी मुझे मिल गया। हेलो बेबी, तुम कैसे हो? क्या वे तुम्हें यहाँ अच्छा खिलाते हैं? हेलो। वहाँ क्या हो रहा है? बॉब भागो, मुझे कुछ काम करना है। बहुत सुंदर, किसी भी जगह को आरामदायक होना बहुत जरूरी है ताकि आत्मा खुश हो। यह तुमने क्या किया? यह गुलाबी बकवास क्या है? इसे जल्दी से उतारो। और तुम यहाँ ऐसे यह सब मत फैलाओ। काले रंग से अच्छा कोई रंग नहीं, मैं इसी को सुंदर कहती हूँ। जेस, तुम एक 7 साल की बच्ची की तरह एक्ट कर रही हो। मुझे बस गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है ठीक है, मैं घर पर सब कुछ वैसा ही करूँगी जैसा मुझे पसंद है। ओह, यह घटिया घोड़ा यहाँ कहाँ से आया? जेस, तुम क्या कर रही हो? लिली, देखो कितनी प्यारी है। अब यहाँ सब बहुत सुंदर और चमकदार है। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे यह प्यारा हॉरर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दीवारों पर जो कर चाहिए वह मुझे प्रेरित करता है। No. जेस, चलो एक डील करते हैं। हम कमरे के 2 समान भागों में विभाजित करेंगे। जो मेरी तरफ है उसे तुम छू नहीं सकती, और जो तुम्हारे पास है मैं शायद उसे नहीं छूंगी। हाँ, यह एक शानदार आइडिया है। बस अब मुझे कमरे को सजाने से कोई नहीं रोकेगा, जिस तरह से मुझे चाहिए। माँ ने कहा कि एक लड़की को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। मुझे उनकी बात अभी समझ आ रही है। ऑफिसर जैक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जेल गुलाबी क्यों है? इसे छुइए, ये बहुत कोमल है। वाह जेस, तुम एक असली जादूगर हो। मैंने इस तरह की अच्छी चीज को कभी नहीं छुआ है। आह, मेरी बिचारी नाक, कितना दर्द हो रहा है। लिली, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। जल्दी से इस सारे कूड़ा करकट को सलाखों से बाहर फेंक दो। अब सब ठीक है, ऑफिसर जैक की बात सभी को माननी होगी।
पहली नजर में ये साधारण पोस्टर है, लेकिन वास्तव में यहाँ से निकलने के लिए एक सुरंग है। मुख्य बात यह है कि वो मुझे देखे नहीं। मैं सिर्फ कसरत कर रही हूँ। हमें स्वच्छता के बारे में नहीं भूलना चाहिए। क्या बदबू है। जाहिर है मुझसे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बाय बाय ब्रश। ऑफिसर जैक, देखिए मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। बहुत अच्छा। लिली, क्या तुम कसरत कर रही हो? वाह, फिर से करो, तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूँ। शाबाश। ओह, तुम्हें पसीना आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओह, तुम इसे उठा भी कैसे लेती हो? ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मजबूत हो। फिर से करो, ज्यादा नहीं बचा है। 99। रुको। अच्छा किया लिली, बधाई हो, ये एक नया रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं तुम्हें एक मेडल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास है? मैं आसानी से ये बारबेल उठा सकती हूँ। क्या तुम ये देख सकते हो? मैं मजबूत हूँ। लिली रो मत, लेकिन मैंने तुम्हें हरा दिया। मुझे तकलीफ भी नहीं हो रही है, ये बहुत आसान है। ध्यान से बारबेल को फर्श पर मत गिराओ। अच्छा बस रुको, यह क्या है? क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या किसी ने जेल से भागने का फैसला किया है? जेस, ये तुमने क्या किया? ओह ऑफिसर जैक, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? तुम्हारा मेडल वापस लिया जाता है, और मैं तुम्हें एक काम भी दे रहा हूँ, तुम्हें छेद को बंद करना होगा अभी। हो गया, यह लो। और कोई भागने की योजना नहीं, क्या तुम समझी? मेरा सुरंग बनाने का प्लान काम नहीं गया, इसलिए सलाखों के साथ काम करेगा। मेरे पास मजबूत फाइल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब बस मुझे अपना सारा सामान समेटने की जरूरत है। मेरे लिए इंतजार करो, आजाद सड़क। मुझे एक ब्रेकडाउन मिला, हमें इसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। हाँ, अब सब ठीक है। चाओ। सबको बाय। अरे मुझे समझ नहीं आया, यह क्या है? जेस, तुमने क्या किया है? मैं कैसे निकलूंगी? उसे इतना डक्ट टेप कहाँ से मिला? क्या करूं? शायद मैं जैसे एक नेल फाइल ले सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे सुनो, तुम क्या चाहती हो? मुझे अपनी फाइल दो, तुम्हें वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे उसे जबरदस्ती लेना होगा। हागी वागी तुम्हें रात में चुरा लेगा। हो गया, मेरी फाइल। ओह कितना डरावना है, ये किस तरह का डरावना खिलौना था? लिली फिर से बार्स क्यों खराब कर रही है? मुझे फिर से सब कुछ ठीक करना होगा। अब जाने का समय है। यह अच्छा है कि मेरे पास डक्ट टेप का एक पूरा ढेर है। तैयार, मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। लिली देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। ओ, मैं उससे तंग आ गई हूँ, तो मैं इस जेल से कभी नहीं बचूंगी। हो सकता है कि कम से कम इस बार मैं डक्ट टेप को खोल सकूं। तुम्हारी वजह से है जेस, अब मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें टेप कहाँ से मिला? जेस ने मरम्मत करने का फैसला किया, लेकिन अंत में उसने मुझे सलाखों के साथ चिपका दिया। अच्छा किया, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। मुझे एक और योजना की जरूरत है, शायद मैं इस छेद में जा सकती हूँ। नहीं, मैं बहुत बड़ी हूँ। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है, लेकिन क्या? सोचो लिली सोचो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल, हमें एक और सुरंग बनाने की कोशिश करनी होगी। नहीं, मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब है। ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है। सब तैयार? ओह यहाँ बाढ़ आ जाएगी।
मुझे तत्काल टॉयलेट को ठीक करने की जरूरत है। जेस, बेहतर होगा कि तुम खुद वहाँ ना जाओ, ऑफिसर जैक को बुलाओ, उसे हमारी मदद करनी है। ऑफिसर जैक, यहाँ बाढ़ आने वाली है। शाबाश। क्या हुआ? ओह, तुम चुप क्यों हो? चाबी मुझे दो। हमें इस टॉयलेट को तत्काल ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो हम सब यहाँ डूब जाएंगे। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ, ये जाने का समय है। बाय लिली। रुको, तुम सामान के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो। लो, ये लो। सब कुछ तैयार है। और सब कहाँ है? लड़कियों, तुम कहाँ चली गई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर तौर पर लिली ने फिर से जाने का फैसला किया है। चिंता मत करो डार्लिंग, तुम नहीं बच पाओगी। जस ने मुझे तुम्हें पकड़ने में मदद की। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नहीं जैस, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम सलाखों के पीछे क्यों गई? रुको लिली, दरवाजा खुला है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जैस प्लीज बाहर आओ, तुमने अपनी आजादी कमा ली है। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भी आजाद होना है। मुझे यहाँ से जाने दो। मल्टीटू पर हर नई चुनौती एक वास्तविक छुट्टी होती है। हमारे वीडियो देखकर आप एक अच्छे मूड से भर जाते हैं। हमारे चैनल की सभी चुनौतियाँ मजेदार, ओरिजिनल और बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जिन्हें ना देखना असंभव है। तो हमारे साथ रहना सुनिश्चित करें।